हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं गेहूं के आटे से मोमो बनाने जा रही हूं। अक्सर मदर का शिकायत होता है बच्चों के लिए कि मैदा से मोमो नहीं खाना है, मैदा का बना हुआ चीज़ नहीं खाना है। अब आप लोग इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बनाना भी बहुत ही सरल होता है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है और इसे हम कैसे बनाएंगे, ये आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो पूरी वीडियो पर फोकस बनाए रखिए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। आज का मोमो हम गेहूं के आटा से तैयार करेंगे। तो आटा गूंथने के लिए हमें इसमें क्या क्या डालना है उसको ध्यानपूर्वक देखें। 1/4 चम्मच नमक यानी कि हल्का सा नमक डालेंगे। नमक के अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन गूंथने के लिए हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे यानी कि फ्रिज का ठंडा पानी। फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करने से मोमो का कलर बिल्कुल सफेद रहता है, देखने में व्हाइट लगता है और सॉफ्ट भी बहुत बनता है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। जितना सख्त पूरी के लिए गूंथते हैं उतना ही सख्त हमें मोमो के लिए भी गूंथना है और इसको अच्छी तरह से यानी 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि यह मुलायम हो जाए। आटा गूंथने के बाद ढक्कन चढ़ाकर इसे रख देंगे। अब हम सब्जियां भूनकर तैयार करेंगे। मोमो में स्टफिंग के लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियां यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, तो नोट कर ले। बंद गोभी, क्रस्ट सोयाबीन, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया, काली मिर्च 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार यानी कि 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच मोमो चटनी और 2 चम्मच रिफाइंड तेल। सबसे पहले 2 चम्मच रिफाइंड तेल बर्तन में डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सबसे पहले डालेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे क्रश सोयाबीन। अब इसमें प्याज डालेंगे। एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसके साथ बंद गोभी भी डाल देंगे। बचा हुआ नमक भी डाल देंगे यानी कि 1/4 चम्मच नमक और डाल देंगे। डेढ़ चम्मच विनेगर डाल दिया है, कम लगेगा तो हम थोड़ा और भी डाल सकते हैं। फुल आंच में लगभग 30 सेकंड पकाते हैं, उसके बाद हम दूसरे मसाले डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच मोमो चटनी डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया, एक चौथाई चम्मच पुदीना पाउडर, गैस ऑफ कर देंगे। आटा को छोड़े हुए 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम एक बार फिर से अच्छी तरह से मसलेंगे, उसके बाद हम इसकी पूड़ियां बनाना शुरू करेंगे। छोटे छोटे गोले काटेंगे ताकि छोटी छोटी पूड़ियां बनाना है। सारे गोले काट लिया है, अब हम इसको गोल गोल करेंगे फिर इसकी पूड़ियां बेलेंगे। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच मैदा को पानी में गाढ़ा घोल लिया है मोमो को चिपकाने के लिए। सब्जियों को प्लेट में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम मोमो के लिए रोटियां बेलना शुरू करेंगे।
छोटा सा गोला लेंगे और हाथ से इसे गोल करेंगे। गोल करने के बाद आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। बेलते समय ध्यान रखिए कि आपको बीच में हल्का मोटा रखना है और किनारे पतला। देख सकते हैं कितना पतला रोटी बना है, इसी तरह से आपको पतला रोटी बनाना है और सारे रोटी बेल बेल कर इसमें रखते जाएंगे। अब हम इसे भरना शुरू करेंगे। इसके ऊपर एक चम्मच सब्जी डालेंगे। अब हम घोला हुआ आटा या मैदा इसके किनारे लगाएंगे। वैसे इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपने आप ही चिपक जाता है, लेकिन जब हम इसे पकाते हैं तो पकते समय इसके अंदर जो एयर भरता है वो लीक हो जाता है। लीकेज होने से इसका एयर निकल जाता है जिससे बिल्कुल चपटा जैसा मोमो बनता है। तो हम उसे रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा घोलकर मैदा लगा दिए ताकि फेविकोल की तरह काम करे। अगर आपको इसे मोड़ने में दिक्कत हो तो बिना इसे लगाए भी आप बना सकते हैं। इसके जगह में आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसे अब हम बंद करेंगे। ध्यान रखें कहीं से भी इसका मुंह खुला हुआ ना हो, जहां खुला रहता है वहीं से हवा निकलता है। तो इसे बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनाकर रखेंगे। मोमो को फोल्ड करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे डिजाइन हैं, तो जो डिजाइन आपको सुविधा लगे उसी डिजाइन से बनाकर तैयार करें। सारे मोमो भरकर तैयार कर लिया है। 3-4 तरह के डिजाइन मैंने बना लिया है। अब हम इसे पकाने के लिए स्टीम करेंगे। तो एक दूध के ऊपर जो ढक्कन होता है जालीदार, वो ले लिया है और इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। अच्छी तरह से तेल लगा देंगे ताकि मोमो इसमें चिपके ना। मोमो आप कुकर, कड़ाही, पतीला, जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें बना सकते हैं। कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो मैंने एक कड़ाही ले लिया है और उसमें 1 गिलास पानी दे दिया है। पानी गर्म हो चुका है तो इसके ऊपर हम ये जाली वाला बर्तन रख देंगे। अब इसके ऊपर मोमो रखते जाएंगे। जितना इसमें आया है सब इसमें रख दिया है। इसके ऊपर से ढक्कन डाल देंगे। 5 मिनट इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। मोमो को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सब्जियां अंदर से पहले से पकी हुई है तो हमें केवल ऊपर की परत ही पकाना है, तो उसके लिए 5 मिनट काफी होता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। मोमो बनकर तैयार हो चुकी है। एक मोमो मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि यह कितना सॉफ्ट बना हुआ है और अंदर से कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर मोमो है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। तो इसी तरह से मोमो आप अपने घर पर जरूर बनाइए। गेहूं के आटे से मोमो आप अपने घर पर तैयार करें, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को सर्व करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।